start part 3 of your chapter 3, right? So your chapter 3 is water, water everywhere. इसका already part 2 तक हमने finish कर दिया था, right? So जो chapter 3 है आपका, it's water, water everywhere. That so before start today's class, first I need to revise whatever we have discussed in part 2. तो part 2 में हमने कहाँ तक पढ़ा था? That water is very essential for all living things. सारे living things के लिए, सारे living things के लिए water जो है very important and very necessary. तो हमने part 2 तक story पढ़ा था, मैंने आपको story बताया था, हमने discussion किया था that Bijay करके boy था जो पानी जो होता है, water जो होता है, उसको unnecessarily वो waste कर रहा था, कोई ज़रूरत नहीं होती थी फिर भी वो waste कर रहा था. तो उसकी जो मम्मी है उसको एक जगह पे लेके गए उसके अंकल के घर पे, जहाँ पे कि पानी का बहुत स्कैर्सिटी था, पानी का कमी बहुत था, वहाँ पे पानी आ नहीं रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, बहुत बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी. तो लोग जो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग कैसे पानी का यूज़ करते थे, एक ही पानी जो आता था उनको, कभी भी कोई भी टाइम पे उनका पानी आता था, मतलब रात में आता है, कभी भी कितने दिनों में एक बार आता था, तो वो लोग उसको रात आधी रात को उठ के भी उसको कलेक्ट करते थे और उसी को स्टोर करके बहुत दिनों तक चलता था, क्योंकि उनके पानी का आने का कोई ठिकाना नहीं था, ना ही वहाँ पे बारिश होती थी. तो वो विजय को इसलिए उसकी मम्मी वहाँ पे लेके गए थे कि उसको भी रियलाइज़ हो कि पानी को हमको जो वेस्ट करना नहीं चाहिए, पानी का प्रॉपर यूज़ हमको करना चाहिए. ये हमने स्टोरी में पढ़ा था वाटर बॉय पार्ट 1 एंड वाटर बॉय पार्ट 2 में, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डिस्कस टिल पार्ट 2. सो नाउ आई विल स्टार्ट इट्स पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर 3. ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 25. ओके, सो पेज नंबर 25 एक्टिविटी 6. सो हियर अ पोएम इज गिवन. In activity 6, a poem is given and the poem is Art Black Water Pond. In activity 6, page number 25, a poem is given and the poem is Art Black Water Pond. It's written by Mary Oliver. It's written by Mary Oliver. So what is given in this poem? Now listen, I think all of you have your books now, so please open it. So the poem is Art Black Water Pond. The thirst waters have settled. At Black Water Pond, the thirst water have settled. After a night of rain, I dip my cupped hands, I drink a long time. It tastes like stone, leaves, fire. It falls cold into my body. Waking the bones, I hear them deep inside me, whispering, oh, what is that beautiful thing that just happened? Okay, I'll repeat it again. At Black Water Pond, the dust waters have settled. After a night of rain, I dip my cupped of hand. I drink a long time. It tastes like stone, leaves, fire. It falls cold into my body. Waking the bones, I hear them deep inside me, whispering, oh, what is that beautiful thing that just happened? Okay, so this is the poem. So Mary Oliver has written that. So what he is trying to say here? At Black Water Pond, the dust waters have settled. Means ek pond mein jo water hai, wo settle ho gaye. Dust means jo actually dust means kya hota hai? Jo uchalta hai, jisko throw karte hain. To dust water jo hai, wo pond mein settle ho gaya hai. After a night of rain, puri raat barish hone ke baad pond mein pani jo hai wo रह गया है, स्टोर हो गया है. ओके, आई डिप माई कप ऑफ हैंड्स. कप मीन्स मैंने बताया था, जो मीनिंग बताई थी आपको वर्ड मीनिंग, कप मीन्स व्हेन यू होल्ड टुगेदर आवर हैंड्स, मतलब जब हम हमारे हाथ को ऐसे जॉइंट कर देते हैं, टू हैंड्स को, व्हेन वी होल्ड टुगेदर, पुट टुगेदर आवर हैंड्स लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड कप. सो जो पानी पॉन्ड में जमा हो गया है बारिश के बाद, पूरी रात बारिश होने के बाद पानी जब स्टोर हो गया है पॉन्ड में, तो हाथ को उन्होंने जॉइंट करके, दोनों हाथ को अपने जॉइंट करके पानी वहाँ से कलेक्ट किए हैं, पानी को वहाँ पे होल्ड किए हैं. ओके, सो होल्ड करके क्या किया उन्होंने, आई डिप माई कप ऑफ हैंड्स, हाथ को जोड़ के, हाथ को कप करके उन्होंने डिप किया पानी में, पानी को लेने की कोशिश की, होल्ड करने की कोशिश की.
एंड पानी लेके क्या किया उन्होंने, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक उन्होंने बहुत सारा पानी पिया। तो पानी पीने से उनको क्या हुआ, इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स फायर। उनको टेस्ट कैसा आया, नेचर का टेस्ट आया, क्योंकि बारिश की पानी थी, पॉन्ड में जमा हुई थी, स्टोर हुई थी, तो वो उनको टेस्ट आया स्टोन के जैसा, लीव्स के जैसा फायर, मतलब नेचुरल टेस्ट जो है वो उनको फील हुआ। इट फॉल्स कोल्ड इन टू माई बॉडी, हम जब पानी पीते हैं हमको ठंडक मिलती है, जब हमको प्यास लगी होती है और बहुत देर से हम पानी नहीं पीते हैं, नहीं मिला होता है पानी पीते, हमको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलता है पानी पी के। सो इट फॉल्स कोल्ड इन टू माई बॉडी, तो वो बोल रहे हैं कि पानी पीने के बाद मुझे बहुत ठंडक मिली। एंड वेकनिंग द बोन्स, जैसे ऐसे लगा मेरे मन में मेरे बोन्स भी जग गए, मतलब फ्रेश हो गए पानी पीने से, उनको बहुत फ्रेश फील हुआ। आई हियर देम डीप इन साइड मी, उनको वैसे इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे अंदर से कोई कुछ बोल रहा है, ओ व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग, ये कितना सुंदर कितना खूबसूरत चीज़ है, दैट जस्ट हैपेंड, मतलब पानी जो है वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो पानी है वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हम लोग ऑल लिविंग थिंग्स के लिए, सारे जिसको पानी की ज़रूरत है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और उसका जो रोल है हमारे बॉडी के लिए कितना नेसेसरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो वही बोल रहे हैं, जो पानी पूरी रात बारिश के बाद जो वो पानी लेके पिए, उसको नेचुरल, उनको नेचुरल फीलिंग आया, नेचर जैसा फील हुआ, फ्रेश, बहुत फ्रेश फील हुआ, और उसके मन, उनके मन के अंदर ऐसे बात चल रही थी, सारे जो बॉडी, बॉडी का जो बोन्स थे, ये सब बॉडी के अंदर के जो स्ट्रक्चर था, पार्ट था, वो उसे धीरे धीरे बात कर रहे थे कि कितनी सुंदर चीज़ें अभी मुझे हमको फील हो रहा है। ओके, सो दिस इज द पोएम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, रिटन बाय मैरी ओलिवर। ओके, नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सो नाउ प्लीज टर्न पेज नंबर 27, एक्टिविटी 9। ओके, सो इन एक्टिविटी 9, सो आई थिंक एक्टिविटी 6 द पोएम एट ब्लैक वाटर पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड, सो एक्टिविटी 7 एंड 8 इट्स एन एक्टिविटी, इट विल बी, if it's necessary then it will be given in our homework. Now activity 9, okay, so water, water everywhere. In activity 9 is given, one passage is given, that is water, water everywhere. So listen, I'll explain by sentence, one by one sentence, so just listen. How much water is there on earth, kitna water hamare earth pe hai, how much water is there on earth, earth pe kitna pani hai, there is not, bahut sara pani hai. समथिंग लाइक एक नंबर लिखा है, द नंबर इज 1060 एंड आफ्टर दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6
जो है वो ओशन से कवर्ड है. 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज इन द ओशन. टोटल अर्थ में हमारे प्लैनेट जो अर्थ है उसमें जितने सारे पानी हमको मिलता है उसके 98% जो है वो ओशन में ही होता है. ठीक है. एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ सॉल्ट. ओशन का जो पानी होता है, समंदर का पानी होता है, वो सॉल्टी होता है. ऑल ऑफ यू नो सो अगर हमारे पूरा अर्थ में जितने पानी मिलता है उसका 98% ओशन में मिलता है, दैट मीन्स दिस 98% जो है वो अनड्रिंकेबल है ड्यू टू सॉल्टी. सॉल्टी वाटर होता है, पानी नमक वाला पानी होता है, हम तो पी नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो पूरा अर्थ का टोटल पानी का 98% हमको ओशन में मिलता है एंड दैट आर अनड्रिंकेबल. हम पी नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते. ओनली अबाउट 2%, सिर्फ 2% जो होता है वाटर दे आर फ्रेश. सिर्फ टोटल पानी में से 98% हमको ओशन में मिलता है नॉर्मली, और 2% सिर्फ जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं, दे आर यूजेबल. ओके. बट 1.6% फिर वो 2% वाटर से क्या क्या होता है. 1.6% ऑफ प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स. वो जो 2% फ्रेश वाटर है उसमें से 1.6% जो है वाटर वो बर्फ में कन्वर्ट होके बर्फ़ होके रहता है. मतलब पोलर रीजन में वो बर्फ होता है और ग्लेशियर्स में कन्वर्ट होके रहता है. ग्लेशियर मीन्स वो रिवर ऑफ स्नो, जैसे स्नो का नदी होती है, जैसे पूरा नदी जो होता है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है ठंडी रीजन में. ठीक है. ठंडी रीजन में क्या होता है, 1.6 जो 2% फ्रेश वाटर हमारे पास प्लैनेट में अवेलेबल है उसमें से 1.6% बर्फ़ में ही हमको मिलता है. तो बर्फ़ को तो हम खाएंगे नहीं, पियेंगे नहीं, सो बर्फ़ का 1.6% बर्फ़ में ही हमको कन्वर्ट होकर मिलता है ग्लेशियर्स में. ओके. एंड पोलर रीजन में अनदर 0.36%. फिर बाकी जो बचा 2% से 1.6 चला गया बर्फ में, बाकी जो 0.36% बच गया वो क्या होता है, अंडरग्राउंड इन वेल्स. वो मिट्टी के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है. देन ओनली अबाउट 0.036%, ओनली अबाउट 0.036% इज अंडरग्राउंड वाटर. तो टोटल 2% फ्रेश वाटर था, उसमें से 1.6% जो है वो हमको कहाँ पे मिलता है, ग्लेशियर्स और पोलर रीजन में स्नो वो मिलता है. और फिर 0.36% जो है वो अंडरग्राउंड वेल में होता है. 0.36% मतलब 0.36% मिट्टी के नीचे होता है. देन 0.036% ऑफ प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर. तो टोटल 2% जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, उसमें से 1.6% जो होता है वो ग्लेशियर्स और पोलर रीजन में होता है, स्नो के कन्वर्ट हो जाता है स्नो में, तो वो स्नो होके रहता है, बर्फ होके रहता है. और 0.36% जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, मिट्टी के नीचे होता है. देन रेस्ट जो 0.03% जो रहा वो हमको फ्रेश वाटर में, आज फ्रेश वाटर लेक और रिवर में अवेलेबल होता है. अंडरस्टूड. द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मेनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर. सो जो जितना भी यूजेबल वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है, मतलब 0.036% जो रिवर और लेक्स में होता है आज फ्रेश वाटर, वो भी उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स होता है. बट इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड. डेफिनेटली अगर हमारा पूरा अर्थ में जितनी पानी है उसकी 98% ओशन में चला गया, दैट आर अनड्रिंकेबल ड्यू टू सॉल्टीनेस. वो सॉल्ट होता है तो अनड्रिंकेबल होता है. 98% इज अ वेरी बिग अमाउंट वो चला गया. फिर 2% सिर्फ फ्रेश वाटर होता है, जिसमें से 1.6% जो होता है वो बर्फ में रहता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते. देन 0.36% जो होता है वो अंडरग्राउंड होकर रहता है. बाकी रेस्ट जो 0.036% होता है वो फ्रेश वाटर लेक और रिवर में हमको अवेलेबल होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, पर वो बहुत अमाउंट होता है, पर टोटल अमाउंट का बहुत छोटा परसेंटेज होता है. ओके. सो द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द प्लैनेट, ऑन द प्लैनेट 0.004% इज ईदर फ्लोटिंग इन द एयर आज क्लाउड एंड वाटर वेपर. तो इतने सारे पानी तो रह गया कोई पोलर रीजन में, रह गया बर्फ होके, कोई अंडरग्राउंड रह गया, कुछ फ्रेश वाटर रह गया. उसके बाद जो 0.004% जो पानी रहा वो या तो एयर में फ्लोटिंग होता है एज अ क्लाउड. ठीक है, क्लाउड जो होती है वो भी पानी होता है, पानी का एक फॉर्म होता है, या तो वाटर वेपर होके बाहर रहता है, जिसको हम यूज़ नहीं करते. और इज लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो
0.004% जो होता है या तो वो क्लाउड में रहता है या तो वाटर वेपर में या तो एनिमल्स में या तो प्लांट्स में रहता है. ओके, सो डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% वाटर. हम सबको पता है हमारे पानी, हमारी जो बॉडी है, जो हम ह्यूमन बींग है, हमारी जो बॉडी है उसमें पानी है. सो कितना परसेंट हमारे बॉडी में पानी से बना हुआ है? 65%. ओके, सो डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% ऑफ वाटर. दैट मीन्स इफ यू वेट 30 किलोग्राम्स, 19.5 किलोग्राम इज ऑफ योर वेट इज वाटर. मतलब आपकी बॉडी का वेट जितना है उसका 65% जो है वो वाटर है. जिसका बॉडी का वेट जितना है उसका 65% जो वेट होगा वो वाटर होगा. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड हमारे बॉडी का कितना परसेंट वाटर है. और जो टोटल अर्थ में हमारी जितनी पानी की अवेलेबिलिटी है उसमें 98% हमारे ओशन में है जो हम यूज़ नहीं कर सकते. बाकी जो 2% रहा वो अलग अलग जगह पर डिवाइड हो गया है. तो हमको सिर्फ कुछ अमाउंट का पानी हमको मिलता है, फ्रेश वाटर होता है जिसको हम एज ड्रिंकेबल और यूजेबल के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं. तो हमको इसमें से क्या सीख मिली, हम ये जो चैप्टर हमने पढ़े, तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर दैट वी शुडंट वेस्ट, वी मस्ट नॉट वेस्ट द वाटर. क्योंकि पानी की सबको ज़रूरत है, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, सबको ज़रूरत है. और अमाउंट जो होता है, जो यूजेबल पानी होता है वो बहुत कम होता है. तो इसीलिए हमको पानी का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. राइट, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. ओके, सो मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.